Today we are going to calculate the moment of inertia of a triangular lamina about its base. Okay, the mass of the triangular lamina is m, इसका height h है और इसका base b दिया हुआ है. इसका triangular lamina है ABC, इसका height h है, base b है और इसके about b के about हमको calculate करना है base के about moment of inertia. ठीक है, तो मैं triangular lamina दिखला देता हूँ कैसा रहता है और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस बेस के अबाउट. तो ये ट्रायंगुलर लैमिना है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर लैमिना है, ये बेस है बी, हाइट है एच और ये बेस के अबाउट, ये ब्लैक पेन जो है एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट होगा ऐसे. ठीक है, बेस के अबाउट. तो इस ट्रायंगुलर लैमिना का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें दिया है इसका मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है तो m लिख लेते हैं. टोटल मास ऑफ द ट्रायंगुलर लैमिना इज m. ओके, नाउ ट्रायंगुलर लैमिना है तो ट्रायंगुलर लैमिना का कौन सा ऑब्जेक्ट रहता है, इट इज ए 2D ऑब्जेक्ट. ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट है, ट्रायंगुलर लैमिना इज ए 2D ऑब्जेक्ट. तो 2D ऑब्जेक्ट में बच्चों हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें निकालते हैं हम लोग, क्या कैलकुलेट करते हैं, मास पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करते हैं, मास को एरिया से इसमें डिवाइड कर देते हैं. तो जो ये लैमिना दिया हुआ है इसका मास कितना है, m है और इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ हाइट, यहाँ पे h है और बेस, इंटू बेस, हाफ हाइट इंटू बेस. तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ एच बी हो जाएगा, एच इंटू बी कितना हो जाएगा, एच बी हो जाएगा. दिस इज द मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर लैमिना. ठीक है, ये मास पर यूनिट एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर लैमिना आ गया, कितना आ गया, m/1/2hb. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2m/hb विल बी द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर लैमिना. ठीक है, अभी हमने ट्रायंगुलर लैमिना का मास पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर लिया. अब हम लोग क्या करते हैं कि हमको इस ट्रायंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस कैलकुलेट करना है. तो हम लोग एक स्ट्रिप ले लेते हैं, यहाँ पे कट करते हैं ट्रायंगुलर लैमिना में इस पॉइंट से ऐसे. ठीक है, और इस स्ट्रिप का जो मास है, सॉरी, इस स्ट्रिप का जो मास है वो हम लोग लेते हैं, क्या लेंगे, dm लेंगे. और ये स्ट्रिप जो हमने कट की है, ये कट की है बेस से कितने डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे, और इसका जो थिकनेस है दैट इज dy. ठीक है, और जो ये स्ट्रिप कट किया है इसका लेंथ ले लेते हैं, बेस का लेंथ l ले लेते हैं, एल लेंथ का है बेस. चार चीजें हमने ली स्ट्रिप में, एक स्ट्रिप कट किया हमने ट्रायंगुलर लैमिना में जिसका मास डीएम है, जिसका थिकनेस डीवाई है, वो वाई डिस्टेंस पे बेस से कट किया है और उसका लेंथ एल है. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, जो ये हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है, यहाँ पे स्मॉल स्ट्रिप लिया हुआ है, इसका एरिया देख लेते हैं. तो एरिया ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है, इसका एरिया कितना होगा, इसका लेंथ l है और इसका विड्थ है dy, तो इसका एरिया हो जाएगा l इंटू dy हो जाएगा, दैट इज l dy. ठीक है, इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रिप का. अब हमने बच्चों यहाँ पर देखो, हमने कैलकुलेट कर रखा है मास पर यूनिट एरिया 2m/hb. तो इसका मतलब क्या होता है, 1 m² एरिया का जो मास है दैट इज 2m/hb. ठीक है, तो अगर 2 m² एरिया का मास लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 × इस फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली 2m/hb हो जाएगा. ठीक है,
मान लो 5 मीटर स्क्वायर एरिया का मास ले रहे हैं, तो क्या होगा, 5 इंटू 2 एम अपॉन एच बी हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे जो डीएम ये निकालना है, डीएम मास, और उसका एरिया एल डी वाई है। तो एल डी वाई एरिया का मास कितना हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल स्ट्रिप डीएम की एल डी वाई ये एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 2 एम अपॉन एच बी को, पर यूनिट एरिया को, ठीक है, एच बी को इसको मल्टीप्लाई कर दिया किस एरिया से, एल डी वाई का। जब अगर एरिया का मास हमको कैलकुलेट करना है, दैट इज डीएम अगर कैलकुलेट करना है, तो एल डी वाई एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 एम अपॉन एच बी से, पर यूनिट मास से, तो हमारा डीएम की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल मास ऑफ दिस एलिमेंटल स्ट्रिप आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमको दिख रहा है इस ट्रायंगुलर लेमिना में देयर आर टू ट्रायंगल्स, एक है ए बी सी, ये ध्यान से देखो, ये बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, ये बड़ा ट्रायंगल है, और एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ए डी और ई इस पॉइंट पर, ठीक है, ए डी ई, ये छोटा ट्रायंगल ए डी और ई, इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ऐसा है, देखो ये ट्रायंगुलर लेमिना है, ठीक है, ए बी सी था, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसके अंदर हमने एक स्ट्रिप लिया डी और ई, इसका नाम रख दिया, तो इसके अंदर दो ट्रायंगल होगा, एक बड़ा ट्रायंगल ए बी सी और एक छोटा ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल है, इसको क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ये हमारा साइड कितना है बी है, ये एल है, पूरी हाइट कितनी है बच्चों एच है, ठीक है, और ये कितने हाइट पर कट किया है, इसको वाई पर किया है। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल होगा, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, पूरी हाइट एच माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हाइट हो जाएगी छोटे ट्रायंगल की, दैट विल बी एच माइनस वाई, ठीक है, और इसका बेस छोटे ट्रायंगल का एल है, बड़े ट्रायंगल का बेस बी है, बी है। तो क्या निकालेंगे इसका, यहां से हम लोग ले लेंगे सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके, रेशियो ऑफ स्मॉल ट्रायंगल का बेस अपॉन बिग ट्रायंगल का बेस बी, एल अपॉन बी इज इक्वल टू स्मॉल ट्रायंगल का हाइट एच माइनस वाई अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी का हाइट कितना है एच है, ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से एल बाई बी विल बी इक्वल टू एच माइनस वाई, इसका हाइट छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट एच। तो यहां से हमको एल की वैल्यू मिल जाएगी, एल इज इक्वल टू बी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बी इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन वन, ठीक है। अब यहाँ इक्वेशन वन से एल की वैल्यू हम लोग यहाँ पे इक्वेशन टू में रख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन टू में हम लोग ऊपर अभी कैलकुलेट किया एल की वैल्यू कितनी है, बी इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच, इसको इक्वेशन टू में रखते हैं। तो यहाँ पर रख दो बी इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू ये डी वाई आ जाएगा, डी वाई इंटू टू एम अपॉन एच बी, टू एम अपॉन एच बी, ठीक है, ये लिख लिया हमने, ये डीएम की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप की का मास कितना रहेगा। यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, देखो h माइनस वाई मैं लिखता हूँ, h माइनस वाई डी वाई टू इंटू टू एम, ठीक है, इंटू टू एम, और नीचे क्या रह जाएगा, h इंटू एच, एच स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिख लेता हूँ, पहले क्या करता हूँ मैं 2m को लिखता हूँ, ठीक है, 2m लिखता हूँ, उसके नीचे लिखता हूँ h स्क्वायर, ठीक है। अब बचा है h माइनस वाई इंटू डी वाई, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये dm की हमारी वैल्यू आ गई, इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन 3। अब ध्यान दो बच्चों, ये जो हमने एलिमेंटल स्ट्रिप का जो निकाल लिया मास, अब क्या करेंगे कि इस एलिमेंटल स्ट्रिप जो हमने कट किया ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीआई निकाल लेंगे, ऐसे ही करते आ रहे हैं। वो क्या होगा, डीआई विल बी इक्वल टू इसका मास डीएम इंटू बेस से कितने डिस्टेंस पर कट किया वाई पे, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी वाई, इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूं मैं, ब्लैक स्ट्रिप की जो कट किया है, डी वाई डी आई इज इक्वल टू डीएम इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है।
हम लोग यहाँ पे स्मॉल स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे। बी आई इज इक्वल टू स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू वाई स्क्वायर डिस्टेंस। देखो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये ट्रायंगल था ए बी सी, यहाँ पे स्ट्रिप कट किया था वाई डिस्टेंस पे, ठीक है, डी ट्रायंगल, ठीक है। ये जो स्ट्रिप कट किया है, इस स्ट्रिप का हम लोग निकाल रहे हैं क्या, इसका डीएम मास है और वाई डिस्टेंस पे। तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, एम की वैल्यू यहाँ क्या है डीएम है, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है डी वाई स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर लिख लिया है स्मॉल स्ट्रिप का। अब इस स्ट्रिप को 0 to h, ये 0 है और ये पूरी हाइट कितनी है h, यहां से लेके यहां तक ये सारे स्मॉल स्ट्रिप्स को ऐड कर देंगे 0 to s तक, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन करके ऐड कर 0 to s लिमिट ले लेंगे, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट ट्रायंगुलर लैमिना मिल जाएगा। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोनों तरफ, डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर, और लिमिट क्या होगी 0 to h रहेगी। ये देखो ये 0 to s तक सारे स्ट्रिप्स को ऐड कर देंगे 0 to s तक लिमिट तक, तो हमको पूरा ट्रायंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के अबाउट मिल जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ dy क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ dy होता है i, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ dy i होता है, और यहाँ पे 0 to s लिखेंगे, और dm की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में कैलकुलेट की हुई है, तो इक्वेशन 3 से dm की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, क्या आएगी 2m अपॉन h स्क्वायर इनटू h माइनस y डी वाई, 2m अपॉन h स्क्वायर h माइनस y डी वाई, ठीक है, ये इक्वेशन 3 से यहाँ रख दी, और ये वाई स्क्वायर पहले से है तो इंटू वाई स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो i की वैल्यू आ जाएगी 0 to h 2mh² h माइनस y, ये y स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ y स्क्वायर, और ये dy को बाद में लिख लेता हूँ। अब देखो 2m और h कांस्टेंट है, 2 क्या है, 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू, m क्या है मास ऑफ द ट्रायंगुलर लैमिना है, तो वो कांस्टेंट है, और हाइट भी ट्रायंगुलर लैमिना की कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, m h और 2 कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे, 2mh² को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल के अंदर हो जाएगा 0 to h h माइनस वाई वाई स्क्वायर डी वाई। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2m अपॉन h² 0 to h। अब इस वाई की वैल्यू h में मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो आएगी hy² फिर वाई की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वाई में, तो क्या आ जाएगा माइनस वाई क्यूब और ब्रैकेट लग जाएगा डी वाई, ठीक है। अब इसको दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे जो अंदर है ब्रैकेट के, आई इज इक्वल टू 2m अपॉन एच स्क्वायर, और इंटीग्रल के अंदर देखो 0 to h पहला वाला ले लेंगे h y स्क्वायर इसका इंटू डी वाई, ये डी वाई का मल्टीप्लीकेशन इसमें हो जाएगा, माइनस 0 to h और ये डी वाई का मल्टीप्लीकेशन अब वाई क्यूब में हो जाएगा, वाई क्यूब डी वाई, ठीक है। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 2m अपॉन h स्क्वायर, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा वाई क्यूब हो जाएगा, तो h वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और इसकी लिमिट हो जाएगी यहाँ पे 0 to h माइनस वाई, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा वाई क्यूब बाई 3। अब वाई क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा वाई रेस्ट पावर 4 अपॉन 4 0 to h, ठीक है, वाई क्यूब का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। अब लिमिट्स को, ये जो लिमिट्स है ना h और 0, h और 0 इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और फिर इस h को भी रखेंगे और 0 को ब्रैकेट में रख देंगे, तो i इज इक्वल टू 2mh² h पहले से है और h क्यूब रखेंगे तो क्या हो जाएगा h रेज़ टू 4 हो जाएगा बाई 3, माइनस इस h की वैल्यू यहाँ रखेंगे y 4 की जगह पे तो क्या हो जाएगा y रेज़ टू 4 की जगह पे तो h 4 रेज़ टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आई आ जाएगा विल बी इक्वल टू 2m अपॉन h² इसका एलसीएम हो जाएगा 12
थ्री और फोर कैल्शियम 12 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4H4 माइनस 3H4। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर बचेगा क्या बचेगा, I इज इक्वल टू 2m अपॉन एच स्क्वायर और ऊपर बचेगा H4, नीचे रहेगा 12। इससे एच स्क्वायर से H4 को कट करेंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर बचेगा और 2 से 12 को कट करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। तो ऊपर क्या बच गया, m एच स्क्वायर अपॉन 6 अपॉन 6 एंड दिस इज योर आंसर। ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहती है ट्रायंगुलर लेमिना की, वो क्या रहती है, एम एच स्क्वायर बाई 6। सो दिस यू हैव टू कीप इट रिटेन इन योर मेमोरी, ठीक है, कि ट्रायंगुलर लेमिना की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बेस कितनी आती है, एम एच स्क्वायर बाई 6। एम मास है ट्रायंगुलर लेमिना का और एच उसका हाइट है। सो दिस वी हैव प्रूव्ड इट, ठीक है। सो हमने कैसे किया इसको, पहले मास पर यूनिट एरिया निकाल लिया, मास पर यूनिट एरिया निकालने के बाद एक स्मॉल स्ट्रिप ले लिया और उसका एरिया कैलकुलेट कर लिया, उसका एरिया एल डी वाई हो गया, फिर उस स्ट्रिप का स्मॉल मास कैलकुलेट कर लिया डीएम, स्मॉल मास डीएम कैलकुलेट करने के बाद इक्वेशन 3 में स्मॉल स्ट्रिप का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया डी आई इक्वल टू डी एम वाई स्क्वायर और इसमें इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड में 0 to h तक इंटीग्रेट कर दिया, उसके बाद डीएम की वैल्यू इसके अंदर पुटअप कर दी और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया, लिमिट्स की वैल्यू रख के, तो हमारी वैल्यू आ गई I इज इक्वल टू एम एच स्क्वायर बाई 6। थैंक यू।